Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. So let us continue with the questions, NCERT exercise. So we will start with the question number 6.15. This is the question 6.15. It is given that a pump on the ground floor of a building can pump up to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground and the efficiency of pump is 30%, how much electric power is consumed by the pump? ये हमारे पास condition दे रखी है. जो volume है हमारे पास, कितना volume जो है वो water का pump up हो रहा है वो दे रखा है हमारे पास कितना, दैट इज अ 30 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर वी मैं इसको मान लू, दैट इज गिवन 30 मीटर क्यूब. दिस वन इज गिवन. सभी को पता है डेंसिटी की बात की थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था उसमें भी बात की थी हम लोगों ने, दैट डेंसिटी ऑफ वाटर रो दैट इज 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो मास निकाल लेंगे हम लोग, दैट इज द मास ऑफ द वाटर, दैट इज पंप, कितना मास जो है वो ऊपर चढ़ाया गया हमारे पास. सो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर एम, दैट इज वॉल्यूम इन टू डेंसिटी. सो मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम आपके पास है 30 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मीटर क्यूब से बेटा मीटर क्यूब कैंसिल आउट, सो दिस मास दैट इज 30 × 10^3 किलोग्राम, दिस मच वाटर दैट इज अ पंप्ड ऑन द बिल्डिंग. कितनी हाइट तक किया गया, तो हाइट हमारे पास दे रखी है, हाइट आपके पास एच दैट इज गिवन 40 मिनट. अब कितने टाइम में, टाइम है 15 मिनट, टाइम टी दैट इज 15 मिनट में इसको पंप किया गया. 15 मिनट मतलब सेकंड में निकाल रहे हैं हम लोग इसको, 15 × 60 सेकंड दैट इज 900 सेकंड. तो वर्क डन हमारे पास, वर्क डन डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एम जी एच. तो पावर, पावर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये आएगी आपके पास क्या, आउटपुट पावर, कितनी हमारे पास आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है, जो मोटर काम कर रही है उसकी आउटपुट कितनी है, जो उसने काम किया उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. सो आउटपुट पावर, पावर दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज एम जी एच, हमारे पास वर्क डन है अपॉन टाइम. सो दिस आउटपुट पावर, मास आपके पास कितना बेटा, दैट इज 30 × 10^3, जी आपके पास 9.8 और हाइट आपके पास कितनी है, दैट इज 40 अपॉन टाइम आपके पास है कितना 900, ठीक है. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपके पास 39.2 डिवाइडेड बाई 3 के देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 3 × 3 = 9 आ जाते हैं, इससे ये 2 जीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और ये 3 × 3 = 9 आपके पास आ गया. इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ गया ये कितना 8 × 32 और 8 × 36 = 39, 10^3 डिवाइडेड बाई 3 वाट, दिस वन इज द आउटपुट पावर. एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपके पास, एफिशिएंसी इज गिवन 30%, एफिशिएंसी दैट इज 30%, 30% का मतलब आ गया 30/100 दैट इज 3/10, दिस वन इज द एफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी होती क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी दैट इज इनपुट पावर, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, हमने निकाली इनपुट पावर ऑफ द दैट इज मोटर,
कि कितनी पावर वो जो है वो कंज्यूम कर रहा है वो निकाल दो. सो एफिशिएंसी दिस ईटा दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर. सो दिस इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर दिस एफिशिएंसी. ठीक है. सो एफिशिएंसी हमारे पास अगर देखें सो दिस आउटपुट तो निकाली थी हम लोगों ने 39.2 डिवाइडेड बाय 3 और ईटा हमारे पास है 3/10 और ये 10 रेस्ट पावर 3 और इस टाइम से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर. सो दिस वन दैट इज 392 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 वाट के बराबर. सो दिस इनपुट दैट इज इक्वल टू 9 4 36 कितने बच गए, 3 बच गए आपके पास, 9 27 5 32 9 5 45 इस तरीके से आता जाएगा आपके पास वाट. तो मैं इसको लिख लूँ इनपुट दैट इज 43.6 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 वाट या मैं इसको लिख लूँ दैट इज 43.6 किलोवाट. दिस वन इज द इनपुट पावर दैट इज कंज्यूम्ड बाय द मोटर. ये हमारे पास क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी. तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग. जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास उसमें देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.16 तो हम लोगों ने नहीं करना है क्योंकि ये कोलिजन से रिलेटेड है बेटा आपके पास. सो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा 3.17 भी नहीं करना है हम लोगों ने. दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द कोलिजन. कोलिजन का कंसेप्ट हम लोगों ने नहीं किया है. सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3.18 को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या देता है आपके पास. और 6.18 इसमें क्या बोला गया हमारे पास कि दैट अ बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन. कहाँ से रिलीज किया गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन. द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर. व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट गिवन दैट इट डिसिपेटेड 5% ऑफ इट्स इंटरनल इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. हमारे पास ये है मान लो ये पोजीशन है यहाँ पर था ये पहले बॉब. दिस इज 1.5 मीटर. यहाँ से इसको रिलीज किया गया ऐसे आ गया आपके पास तो यहाँ पर पहुँचेगा आपके पास ये बॉब. दिस इज ऑल्सो 1.5 मीटर. अब इतनी हाइट के ऊपर देखो यहाँ पर तो थी इसकी सारी की सारी जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी. तो यहाँ पर एनर्जी थी mgh और यहाँ पर सारी एनर्जी चेंज हो गई किसमें, इसमें. लेकिन 5% एनर्जी जो है वो किसमें चली गई, दैट डिसिपेटेड ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस. तो बच गई पोटेंशियल एनर्जी का कितना बच गई ये 95%. तो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो ये एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर दैट इज 95% ऑफ दिस एम जी एच. ये आपके पास तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 95/100 इंटू एम जी एच. एम से बेटा एम कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास. सो वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 95/100 इंटू 2gh. दस ठीक है. सो वी हम लोग यहां से निकालेंगे तो वी हम लोग निकालेंगे तो क्या जाएगा 95/100 इंटू 2gh अंडर द रूट. सो रख दें वैल्यू सा देखिए हम लोग देखो हमारे पास 95/100 इंटू 2g 9.8
और h था कितना 1.5 अंडर था रूट। ठीक, ये 3 हो गया हमारे पास यहाँ से 3, और इस सारे को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 27.93 इसको सॉल्व कर लें बेटा। 27.93 का मैं स्क्वायर रूट यहां पर निकाल लेता हूं, ये 5 5 25 कितने बच गए 2 बच गए, यहां पर 93 आ गए, यहां पर ये पॉइंट 10 2 से चला जाएगा 2, सो 204। यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो हमारे पास ये बच गया कितना 9 और ये 8, आगे मैं 2 जीरो लगा दूँ तो ये 2 जीरो आपके पास यहाँ से आ गया 104, और लगभग कितने से 8 से चला जाएगा ये आपके पास 8 से, ठीक है ऑलमोस्ट 7 से जाएगा, लेकिन आगे फिर आपके पास बच जाएगा तो मैं इतना ही लिख दूँ इसको, तो ये वी आपके पास 5.28 मैंने लिख दिया मीटर पर सेकेंड, और वी दैट इज इक्वल टू 5.3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन इट रीचेज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, जब ये कहाँ पर पहुँचेगा लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पर इसकी स्पीड ही आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.20, 6.19 नहीं करना अभी, ये भी हमारे पास थोड़ा सा कोलिजन से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, 6.20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, मास हमारे पास दे रखा है कितना 0.5 किलोग्राम। ठीक है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है v दैट इज इक्वल टू a x रेस्ट पावर 3/2। इट मींस दैट द वेलोसिटी दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, मींस इट चेंजेस विद द एक्स। ठीक है, वेयर ए इज गिवन, जहां पर ए आपके पास क्या दिया गया है, दैट इज गिवन 5 मीटर इनवर्स 1/2 आपके पास है एंड सेकेंड -1। ठीक है, वट इज द वर्क डन बाई द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, कहां से x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर तक हम लोगों ने क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। तो वर्क डन निकालेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहाँ पर बेटा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। पहले बात करते हैं हम लोग व्हेन x इज 0, तो हमारे पास क्या लिख दिया v नॉट, मैंने निकाल लिया v नॉट, x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर v दैट इज इक्वल टू a 2 रेस्ट पावर 3/2, तो a की वैल्यू रख दी मैंने 5 और 2 3 जा इसको लिख दिया मैंने 2 रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर 1/2, तो ये मेरे पास आ गया 5 इंटू 8 पावर 1/2 पावर 3। ठीक है, ये दिस वन मीटर पर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वर्क डन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम दिस वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल मांगी मैंने वी नॉट यहां पर। ठीक है,
So work done, that is half. Mass है 0.5 v square. V हमारे पास है 5 8 पावर 1 by 2 इसका स्क्वायर और ये माइनस 0 क्योंकि v नॉट 0 है तो ये सारा क्या हो जाएगा 0. So this work done, that is half into 0.5 into इसका स्क्वायर करें तो आपके पास आ गया ये कितना 25 into 8 हो गया आपके पास. तो ये यहाँ पर कितना हो गया 400 into 0.5 कितना बच जाएगा 50. So work done, that is equal to 50 joule. This one is the work done. कहाँ तक? जब बॉडी मूव करेगी कहाँ से? From x is equal to 0 to x is equal to 2 meter तक करेगी तो work done, that is equal to 50 joule के बराबर आपके पास आ गया. ठीक है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग. अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास उससे चलते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है हमारे पास. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6.21. की बात करें तो इसमें बोला है दैट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप्स आउट अ सर्कल ऑफ एरिया थ्रू विच द विंड फ्लो ए. ठीक है, ए पार्ट निकालेंगे. इफ द विंड फ्लो एट अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्कल व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी. बी पूछा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर एंड सी हम लोग बाद में निकालेंगे कुछ जो निकालना है हम लोगों ने और ये बाद में देखते हैं हम लोग. पहले तो हम लोग निकालेंगे दैट व्हाट इज द मास ऑफ द विंड पासिंग थ्रू दिस वन एरिया इन टाइम टी. मास के लिए हमारे पास अगर बात करें दैट द स्पीड ऑफ एयर दैट इज गिवन वी के बराबर हमारे पास. इट मीन्स दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम पर सेकेंड बाय द एयर दैट इज वी. तो इसका मतलब आपके पास दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस पर सेकेंड. डिस्टेंस पर सेकेंड किसके बराबर है? ये हमारे पास. ठीक है, तो ये आ गया वॉल्यूम पर सेकेंड. अब देयरफॉर इफ रो बी द डेंसिटी ऑफ एयर सो द मास ऑफ एयर पासिंग पर सेकेंड दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज ए वी इंटू रो. हमने निकालना टाइम टी में देयरफॉर द मास ऑफ एयर पासेस इन टाइम टी इज गिवन बाय ये मैं एम से डिनोट कर देता. ये पर सेकंड है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इसके बराबर आ गया ए वी रो इंटू टी के बराबर. ये हमारे पास हो गया पार्ट ए. दूसरा हमारे पास अगर बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर. अब काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हम लोग बी पार्ट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर सो दैट इज इक्वल टू हाफ एम. एम किसके बराबर है? एम की वैल्यू रख दें हम लोग ए वी रो टी इन टू वी स्क्वेयर सो दिस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ए वी क्यूब रो इंटू टी. वी स्क्वेयर इंटू वी किसके बराबर आ गया? वी रो के बराबर आ गया. सो दिस इज
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर. ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर. तीसरा हमारे पास क्या पूछा गया है कि दैट अज्यूम दैट द विंड मिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ द विंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विंड एनर्जी को किसमें एनर्जी करती है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ए इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वेयर, बी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड. चलो ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, इसका 25%, इसका 25% क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सो सी पार्ट की बात करते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो मैं इसको ई से डिनोट कर देता हूँ. इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज 25% मतलब 25/100 इंटू दैट इज 1/2 ए वी क्यू रो इंटू टी. तो ये आपके पास आ गया ई इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 ए वी क्यू रो इंटू टी. 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो जाएगा आपके पास. तो ई आपके पास किसके बराबर आ गया बेटा, दिस वन दैट इज ई इज इक्वल टू 1/8 ए क्यू ए वी क्यू रो इंटू टी. सो देयरफॉर द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारे पास पावर है दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. सो दैट इज इक्वल टू 1/8 ए वी क्यू रो इंटू टी अपॉन पी. सो पी दैट इज इक्वल टू ए वी क्यू रो अपॉन 8 × 8 1/8 आपके पास. ये 1/8 ही लिख लूँ मैं इसको, ठीक है 1/8. अब दिया क्या है हमारे पास, इट इज गिवन दैट एरिया, एरिया इज गिवन 30 मीटर स्क्वेयर. 30 मीटर स्क्वेयर वी आपके पास दे रखा है कितना, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. तो इसको चेंज कर लेता हूं मीटर पर सेकंड में, 36 × 5/18 तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड. और डेंसिटी ऑफ एयर दैट्स गिवन 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो पावर हमारे पास देखें तो पावर कितनी आ गई आपके पास 1/8 इंटू एरिया 30, वी क्यू मतलब 10^3 रो 1.2. ठीक है. सो ये कितना हो गया आपके पास है 36 हो जाएगा ये. पी इज इक्वल टू 36 × 10^3 अपॉन 8. सो फोर से देख लेते हैं इसको, ये 4 और ये 9. सो पी दैट इज इक्वल टू 4.5 × 10^3 वाट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4.5 किलोवाट के बराबर. दिस वन इज द पावर जो हमारे पास है, नंबर क्या है ये पूछी गई थी. ठीक है. सो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस जो हमारे पास हो, ठीक है बेटा. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस 4.5 किलोवाट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास दैट इज अ 6.22. ये सी पार्ट था हमारे पास, सी जो हम लोगों ने निकाला. नेक्स्ट वन 6.22. में हमारे पास पूछा गया है, ये थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इसमें हम लोग वर्क डन का फार्मूला लगाएंगे MgH के बराबर. तो वहीं से देखते हैं हम लोग कि कितनी आपके पास एनर्जी जो है बर्न होती है. उसमें हम लोग डाइटर का यूज देखते हैं कि डाइटर जो है किस तरीके से फैट को कंज्यूम करता है. ठीक है, उसको निकाल करके चलेंगे हम लोग. तो इसमें बोला गया है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.22. अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट डाइटर लिफ्ट्स अ 10 किलोग्राम मास
मास जो है वो कितना है, 10 किलोग्राम, उसको लिफ्ट करता है, ठीक है, 1000 टाइम्स, कितनी बार, 1000 बार, मतलब ये है 1000 टाइम्स, टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम, कितनी हाइट तक, 0.5 मीटर तक लिफ्ट करता है नीचे से ऊपर तक, ठीक है, 10 किलोग्राम, 1000 बार। अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम शी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड, मतलब कोई लेडी है आपके पास जो मास को लूज करे, ये पूछा गया दैट हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, टोटल वर्क डन कितना हो गया उसका अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ए पार्ट की बात करते हैं। सो वर्क डन एम जी एच एक शिफ्ट में हो गया, एक में कितना हो गया एम जी एच, जब एक बार वो उठाती है उसको पेट को तो एम जी एच, अब कितनी बार उठाया उसने, 1000 टाइम्स, इसका मतलब किसके बराबर आ गया, एन इंटू एम जी एच के बराबर आपके पास आ गया, ठीक है। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू मास कितना बेटा 10, जी कितना है 9.8 और हाइट है 0.5, ठीक है, तो 500 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू दिस वन 8 × 40 = 49, 45 और 4 = 49, सो दैट इज दिस वर्क डन दैट इज 49,000 जूल, दिस इज द वर्क डन बाय द डायरेक्टर, टोटल वर्क डन जो हमारे पास है। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है हमारे पास कि दैट द फैट सप्लाइज 3.8 × 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी रेट, एफिशिएंसी रेट कितना है आपके पास है 20%, इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय द फैट कितनी है, एनर्जी एनर्जी सप्लाइड बाय फैट That is equal to किसके बराबर है, That is 3.8 20% of 3.8 × 10⁻⁷ जूल पर किलोग्राम, एक किलोग्राम अगर बर्न करेगी वो, क्या फैट बर्न करेगी तो उसका कितना आपके पास है 20% इस एनर्जी का प्रोवाइड होगी आपके पास, ठीक है, जो एनर्जी किसमें वर्क में आपके पास कन्वर्ट हो रही, ठीक है, बर्न करने के लिए आपके पास, सो जो वर्क में हमारे पास कन्वर्ट हो रही है, सो दिस वन दैट इज इक्वल टू 20/100 × 3.8 × 10⁻⁷ जूल पर किलोग्राम, तो ये हमारे पास आ गया कितना, दैट इज अ यहां से आप लोग इसको वैसे ही सॉल्व कर लो तो हमारे पास आ गया ये 8 × 16 × 3 × 6 × 1 = 7 × 10⁻⁵ यहाँ से बच गया 5 जूल पर किलोग्राम, दस, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि दैट हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज्ड अप, सो कितना मास जो है वो ये यूज करेगी, तो हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज्ड अप, सो मास ऑफ द फैट यूज्ड क्या करेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन दिस वन एनर्जी, सो दैट वन इज अ 1000 जूल अपॉन 76 × 10⁵, ठीक है, सो ये हमारे पास जूल पर किलोग्राम, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बेटा तो ये हमारे पास बच जाता है कितना, दैट इज 6.45 × 10⁻³ किलोग्राम, देखो जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, तो इतना मास जो है वो ये क्या कर लेगी यूज कर, ठीक है, तो ये आप लोग निकाल सकते हो इस तरीके से।
ठीक है। तो दिस वन इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन 6.23 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6.23, इसमें बोला है फैमिली यूजेस अ पावर ऑफ 8 किलोवाट। ए पार्ट है डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। जो इनपुट पावर है आपके पास, इनपुट पावर, पावर बोल दो, एनर्जी बोल दो, पर सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट टाइम जो हमारे पास है, दैट इज पी आई, मैं इसको बोल दूं, दैट इज 200 वाट पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम है हमारे पास, सो ना पर यूनिट एरिया, पर स्क्वायर मीटर, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलो वाट। एरिया निकालना किसके लिए, 8 किलो वाट के लिए। तो आउटपुट पावर जो है हमारे पास, दैट इज 8 किलो वाट, मतलब 8000 वाट, ये हमारे पास, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें अगर हम लोग, ईटा दैट इज गिवन, कितना आपके पास है, दैट इज 20% मतलब 20/100 दैट इज इक्वल टू 1/5, ये हमारे पास, ठीक है। अब एफिशिएंसी होती क्या है हमारे पास, देखो हमें एरिया चाहिए यहाँ से, तो हमें पता है दैट दिस वन दैट इज अ आउटपुट ओवर इनपुट दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी के बराबर आपके पास आ जाता है एक्चुअल में, अगर देखें हम लोग। सो दिस वन दैट इज एनर्जी पर स्क्वायर मीटर अगर हम लोग बात करें, तो दिस वन आउटपुट कितने बेटा, 8000 ओवर टू हंड्रेड वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज वाट, सो दिस इज द एरिया इज इक्वल टू दैट इज 1/5, यहां से वाट कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ये यहां कैंसिल आउट हो गया आपके पास, सो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40, और ये हमारे पास मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, सो दैट इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनटू 5, तो ये आ गया आपके पास 200 मीटर स्क्वायर, दैट्स ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया दैट इज इक्वल टू विच वन, दैट इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया चाहिए। अब पूछा गया कि इस एरिया को कंपेयर करो, सो दिस एरिया इज कंपेयरेबल टू द एरिया ऑफ द हाउस, एरिया ऑफ द रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ अ 250 स्क्वायर मीटर, ऑलमोस्ट उसके बराबर आपके पास आ जाता है ये एरिया, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हमारे पास, ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बचते थे पिछले, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3 की। 6.3 ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था अभी, हमने बात की थी एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, उसी के बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन को करेंगे। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6.3, जिसमें बोला गया है कि दैट गिवन फिगर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशन, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय द क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस, इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड द गिवन एनर्जी, ठीक है। हम लोग बात करेंगे यहां पर, देखो हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ई इज इक्वल टू K
के प्लस बी, ठीक है। सो ई माइनस वी दैट इज इक्वल टू के विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव। सो फॉर अ रीजन इफ E minus V is negative, then particle is not found in any region. इसका मतलब हमारे पास if this E minus V is less than zero or E is less than V, then particle is not found. Not found. नहीं, तो इसमें पहली आपके पास डायग्राम जो दे रखी है वो ये दे रखी है, कौन सी इस तरीके से है बेटा, ये एक्स एक्सिस, दिस वन, इस साइड को हमारे पास ये बी एक्स जो बीरी कर रहा है, यहां पर ये V नॉट है और यहां पर E है और ये A है। तो अगर देखें हम लोग फॉर X किससे ग्रेटर देन, फॉर X ग्रेटर देन A, A से ज्यादा होगा देन V नॉट या E इज लेस देन V नॉट, ये क्या हो रहा है V नॉट से कम है, सो पार्टिकल इज नॉट फाउंड इन दिस रीजन, इसमें पार्टिकल फाउंड नहीं होगा। दूसरे में देखें अगर हम लोग सेकेंड वन, ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा पूछा गया है ये रीजन की बात करें तो सेकेंड रीजन में ये इसमें तो बहुत सारे दे रखे हैं आपके पास, ये एक्स है, यहाँ पर हमारे पास ये जीरो से स्टार्ट हो गया, इस साइड से स्टार्ट, ये यहाँ से ये हमारे पास दे रखा है V नॉट के बराबर, यहां पर दिस इज V नॉट, दिस इज बी एक्स और E है यहां पर, तो ये हमारे पास E है, दिस इज B, दिस वन इज C, दिस वन इज D। सो पार्टिकल हर किसी रीजन में आपके पास क्या है, आपके पास है कि दैट E इज लेस देन V नॉट, सो पार्टिकल इज नॉट फाउंड इन एनी रीजन फॉर व्हाट दैट इज अ X less than infinity and greater than minus infinity, the particle that is not found, किसी भी रीजन में फाउंड नहीं, ठीक है। थर्ड वन रीजन की बात करें हम लोग, तीसरा जो है हमारे पास उसकी बात कर लेते हैं, उन दोनों को मैं मिटा रहा हूँ अभी, तो थर्ड रीजन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसमें क्या है हमारे पास कि इस तरीके से दे रखा है, ये हमारे पास वी एक्स और यहां पर वी नॉट, यहां पर माइनस वी आर वी वन, ये जीरो आपके पास, दिस वन इज वी नॉट, दिस इज ए, दिस वन इज डी और यहां पर ई आपके पास। अब देखें यहां पर लेस देन ए,
ई इज लेस देन वी नॉट फार, किसके लिए? एक्स लेस देन किससे? ए, एंड ग्रेटर देन बी। तो इस रीजन में पार्टिकल जो है वो फाइंड आउट नहीं, ठीक है। और लास्ट वन पार्ट देखें, अगर हम लोग लेस देन ए एंड ग्रेटर देन बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट वन की बात करें हम लोग, दैट इज इस तरीके से है हमारे पास, ये वी एक्स यहां पर पार्टिकल और ये एस इस तरीके से, दिस वन यहां पर वी नॉट, यहां पर ई, ये ई है और यहां पर माइनस वी वन, दिस इज माइनस a by 2 minus b by 2, this is a by 2, this is b by 2। इसको ध्यान से देखें बेटा, e is less than v naught, किसके लिए? पहले इसमें देखते हैं, for x, किसमें? less than minus a by 2, इससे कम है, इस साइड होगा तो कम, और ग्रेटर देन इस साइड को जाएंगे तो कम को देंगे, और ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू, और इस साइड को बोलेंगे एंड फॉर एक्स, किसके लिए? लेस देन किससे? बी बाई टू, एंड ग्रेटर देन ए बाई टू। तो इस रीजन में आपके पास जो है पार्टिकल जो है लाई नहीं करेगा, पास ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6.5 की बात करते हैं हम लोग, 6.5 इसमें थोड़ी सी रीजनिंग है तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.5 फोर कर लिया था हम लोगों ने, 6.5 आंसर द फॉलोइंग, ए पार्ट, द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन द फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन, एट हूज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड, द रॉकेट और द एटमॉस्फेयर। केसिंग जो है उसकी बर्न होती है फ्रिक्शन की वजह से, तो किसके एक्सपेंस के ऊपर जो एनर्जी है हीटिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ऑब्टेंड होती है रॉकेट की वजह से, या फिर जो आपके पास क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ से प्रोवाइड होती है। तो हमें पता है जो टोटल एनर्जी है हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, ई दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, एज द मास डिक्रीजेज केसिंग वर्क्स द मास डिक्रीजेज सो द टोटल एनर्जी दैट ऑल्सो डिक्रीजेज, इट मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द हीटिंग, जो एनर्जी हमारे पास यूज्ड अप हुई दैट इज ओनली ऑब्टेंड फ्रॉम द मास ऑफ द रॉकेट, इट मीन्स दैट द एनर्जी फॉर द हीटिंग ऑफ द रॉकेट दैट इज ओनली ऑब्टेंड फ्रॉम द रॉकेट इटसेल्फ नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब रॉकेट से ही ऑब्टेंड हो। दूसरी बात बी जो है उसमें बोल दिया, कॉमेट मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सन है हमारे पास मान लो, कॉमेट मूव करता है सन के अराउंड इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरीके से, ऐसे हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हम लोगों ने बोल, ठीक है।
इसमें क्या बोला गया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स वेलोसिटी इन जनरल, येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज जीरो वाई। अब क्योंकि हमारे पास ये कॉमेट हमारे पास मूव कर रहा है मान लो ये, तो ये कंप्लीट साइकिल जब कंप्लीट करेगा ये हमारे पास, तो बोला गया कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन दैट इज इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव अ बॉडी वंस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज अ जीरो, हेंस दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू जीरो। बस यही रीजन आप लोगों ने लिखना है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर एंड द वर्क डन बाई और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, टू मूव वंस अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज अ जीरो। ठीक, सी बार्ट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज अ वेरी थिन एटमोस्फेयर लूजेज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट द एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस हाउ एवर स्मॉल, तो इसको निग्लेक्ट करना है लोगों ने। वाई देन डज इट्स स्पीड इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एज इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द अर्थ। कोई सेटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये अर्थ आ गया हमारे पास, ये अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ, ये अर्थ मान, ये चारों तरफ घूम रहा है इसके। जैसे ही इसके नजदीक आता है तो क्या बोला गया है कि इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, क्यों, रीजन पूछ लिया। हमें पता है कि दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, इट मीन्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज कॉन्स्टेंट, इन दोनों का सम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब एज द हाइट ऑफ द कॉमेट दैट डिक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस हेंस द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस मास दैट मीन सेम सो इट्स स्पीड दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, सो एज द सैटेलाइट दैट कम क्लोजर टू द अर्थ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस हेंस इट्स स्पीड दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, इट्स इसकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डी पार्ट हमारे पास पूछा गया है, डी पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। डी पार्ट इसमें बोला गया है, इन द फिगर 6.131 पार्ट द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 किलोग्राम ऑन हिज हैंड्स एंड इन फिगर 6.13 सेकेंड ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम, द रोप गोज ओवर द पुली एंड द मास ऑफ 15 किलोग्राम हैंग्स ओवर हैंग्स एट इट्स अदर एंड, इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर। पहले केस में उसने मास उठाया सिंपली ऐसे हाथों में उठा करके चला है उसको, तो वेट इसका एक्ट करेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। दूसरे केस में फोर्स उसने लगाया ऐसे इस तरीके से फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है, या मान लो ऐसे इस साइड को डिस्प्लेसमेंट किया, ये हमारे पास ऐसे मास जो है वो हैंग, यहाँ पर पुली लगा दी है कोई इसके ऊपर से आ रहा है तो फोर्स इस साइड को लग गया हमारे पास जैसे वो वॉक किया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आपके पास आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स जो फोर्स है उसी के डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो आप डायग्राम जो है वो कहाँ से, बुक से देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो मास है, मास दैट इज 15 किलोग्राम, तो इसका मतलब फोर्स जो अप्लाइड होगा दैट इज इक्वल टू एम जी के बराबर, मास 15 × 9.8 दैट इज 120, 135 और 12, 137। सो दिस फोर्स 147 न्यूटन के बराबर हमारे पास है, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है एस दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर वो चलता है, यही बोला गया। पहले केस में हमारे पास इन फर्स्ट केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉस जीरो सॉरी कॉस 90 दैट इज इक्वल टू जीरो। और सेकेंड केस में हमारे पास वर्क डन, देखो सेकेंड केस में थीटा हमारे पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो वर्क डन
दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 0 डिग्री. सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 147 इंटू एस 2 है और ये 1 आपके पास आ गया. सो दिस वर्क डन दैट इज 7 × 14 और 14 × 28 सॉरी 29 294 जूल के बराबर आपके पास आ गया. ठीक है. सो इन सेकेंड केस द वर्क डन इज ग्रेटर. इन केस सेकेंड वर्क डन इज ग्रेटर. ठीक है बेटा. तो यहां तक हम लोगों ने जो है वो ये चैप्टर किया था. तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास हो गए कंप्लीट. अभी हम लोग टॉपिक अगले लेक्चर से अगला स्टार्ट करेंगे. हम लोग कोलिजन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, रिवाइज करना है खुद से. आप लोगों ने बेटा इनको खुद से सॉल्व करके देखना है आप लोगों ने. ठीक है. तो अच्छे से रहना है आप लोगों ने और अच्छे से इनको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की. ठीक है. एक बार खुद से पढ़ करके इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.